मसला ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में क्लेम कर रहे हो कि हमने ये सब किया जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, तो मुझे आप बताइए उन्हीं लोगों को आपने कर्फ्यू में क्यों डाला है 5 दिनों से। अगर हम इतने गरीब आर्टिकल 370 की वजह से है, तो आप मुझे बताइए बिहार हमसे पीछे क्यों है? वहां तो कोई आर्टिकल 370 नहीं है। इवन गुजरात पीपल ओके, और यहाँ जंतर मंतर मैं कह रहा हूँ, पीछे इंडिया का फ्लैग है, इसके सामने कह रहा हूँ, हिस्ट्री विल नॉट स्पेयर यू इफ यू डोंट स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। साथियों, आज हम जितने भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब अलग अलग जगह से हैं, कोई चनाब से है, कोई पीर पंजाल से, और कोई कश्मीर से है। आप सबको ये बताया जा रहा है, मीडिया में ये बताया जा रहा है कि सिवाय चंद लोगों के सबके सब इस हक में हैं। मुझे ये तो बताया जा रहा है कि कश्मीर में फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि जम्मू का क्या होगा। मुझे ये तो बताया जा रहा है कि जम्मू में भी फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा है कि आरएसपुरा के किसानों का क्या होगा। वो लोग जो दिन में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी उस दिन के काम से चलती है, उनका क्या होगा? इसके अलावा मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और हिंदुस्तान के उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि अगर आपके बच्चे घर से दूर हो तो आप पे कैसी बीतेगी? आज जितने भी यहाँ पे इस आह्वान में लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका इस बहरी सरकार से, गूंगी सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि ये बच्चे जो अपनी माँ से बात करने के लिए तरस गए हैं, उनकी माँ की आखिर काल कब आएगी? क्या इस चीज़ का कोई जवाब है? हमें ये बताया जाए कि हमारे घर वालों से बात क्या होगी। हत्ता के बात यहाँ तक पहुँच गई है, हमें ये भी नहीं पता हमारे घर में कोई जिंदा भी है या नहीं। इस चीज़ की क्या गारंटी है? हम अपने घर में जाएंगे और हमारा घर भी उसी जगह पर होगा। दोस्तों, मेरी आप सबसे ये अपील है, इसलिए मीडिया से अपील है कि इस चीज़ को बताएं कि हमारा मुद्दा बस यही है कि सबसे पहले हमारी घर बात कराया जाए, कम्युनिकेशन को रिस्टोर किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू अंजुम। देखें, 5 दिन हो चुके हैं और हमारी किसी के घर पे बात नहीं हुई है। जैसे अंजुम कह रहा था, तो देर आर पीपल, वो मीडिया पर लिख रहे थे या मैं कुछ पढ़ रहा था कि मेरी हर दिन माँ से बात होती थी या वाल साहब से होती थी या किससे बात होती थी। 5 दिन से देर इज नो वन टू आस्क मी कि बच्चे आपने खाना खाया या नहीं खाया। 5 दिन से आई कैन स्पीक, जुबैर जुबैर इज नेक्स्ट, सॉरी वी कम आफ्टर हिम प्लीज। हेलो, अभी यहाँ दिखा हुआ है, मैं ऐसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, दे मेक अ रेजोल्यूशन एंड कॉल इट पीस बाय आगा शाहिद अली एंड सन ऑफ कश्मीर। शायद लोगों को नहीं पता है, तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, इट्स नॉट फॉर अ स्मॉल कॉज। इसमें बहुत सारा जो भी वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, नॉर्म्स की बात हम करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आई वॉन्ट टू रेज माई वॉइस फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड बाई जम्मू एंड कश्मीर आई मीन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉट जस्ट कश्मीर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ आता है कि शायद हम जब जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूड लद्दाख नहीं करते हैं, एक्सक्लूड। दूसरी बात, सो इट्स अबाउट ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन कल्चर टुडे एंड ह्यूमैनिटी। ये जस्ट ये बात नहीं है कि हम यहाँ क्यों जमा हुए, ये बात ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है इस वक्त। न्यूज़ आ रही है और वो भी अनकन्फर्म्ड है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और वो न्यूज़ कैसे आती है, वो ऐसे रूमर्स होते हैं, ठीक। और आप देखिए, आप दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप यहाँ जमा हो, आप यहाँ अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रैक्टिस करें, और हमारे लोगों को आप आर्टिकल 19 से डिप्राइव कर रहे हो। हमारे लोगों को आप इस वक्त आर्टिकल 19 से डिप्राइव कर रहे हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो और आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि बहुत सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लिए, बहुत सैक्रेड है वो चीज़, और आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल मीन से यूज़ करते हो हमारी आइडेंटिटी डाइल्यूट करने के लिए। लोग पूछते हैं आर्टिकल 370 35A क्या होगा, कश्मीर वाले तो बहुत खुश होंगे। आप जब बोलते हैं कश्मीर के लोग इसके हक में नहीं है, तो जम्मू वाले बहुत खुश होंगे, जम्मू वाले भी नहीं है इसके हक में, तो बाइफरकेशन कर देते हैं, लद्दाख वाले बहुत खुश होंगे, लद्दाख वाले भी नहीं खुश है। करगिल में प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं, दिखा कौन रहा है? मीडिया कहाँ है? मीडिया हैज बीन बैंड, माय होमलैंड हैज बीन लॉकडाउन,
इंटरनेट स्नैप किया गया है, कम्युनिकेशन लाइंस ब्लॉक की हुई है, मीडिया को बैन किया हुआ है। और जो आप मीडिया, इनकेस अगर आपने कोई मीडिया देखा होगा तो जो वहाँ लाल चौक के जहाँ पे कोई लोग है ही नहीं इस वक्त, तो बहुत डेजर्टेड लग रहा है, तो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देयर इज पीस इन कश्मीर, कश्मीर इज सो पीसफुल। शेम ऑन यू, शेम ऑन योर डेमोक्रेसी, ऑन योर प्रिंसिपल्स। अगर इसको डेमोक्रेसी कहते हैं तो आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस डेमोक्रेसी। अगर ये चीज, ये प्रिंसिपल्स, ये नॉर्म्स आप मुझे सिखाते हो और बोलते हो कि आप इन पे रहिए, आई डोंट रिकॉग्नाइज देम, आई ऑब्जेक्ट टू देम। ये बात नहीं होती है। अगर लोग हैं, कश्मीर के लोग भी वैसे ही है, दिल्ली के लोग भी वैसे ही है, महाराष्ट्र के लोग भी वैसे ही है, डाउन साउथ दे आर सेम। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्रेस। आप यहाँ पे बड़े बड़े नारे लगा रहे हो, आप यहाँ पे पार्लियामेंट में जाके बिल्स पास कर रहे हो, और वहां पे आप कहते हो कि वी हैव पास दिस बिल, मैंने अभी कहा ये, वी हैव पास दिस बिल अकॉर्डिंग टू द विश एंड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फॉरगॉट अबाउट द प्रॉमिसेस यू मेड इन 1954, यू फॉरगॉट अबाउट द प्रॉमिसेस यू मेड इन 1972, फॉरगॉट अबाउट द प्रॉमिसेस यू मेड इन 1989, एंड यू फॉरगॉट अबाउट द प्रॉमिसेस दैट यू मेड इन 2008. And you're forgetting about the promises you made in 2009 when you visited Jammu and Kashmir. अगर आप openly कह रहे हो कि हम ये Jammu and Kashmir के लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं, बंद क्यों किया, कर्फ्यू क्यों लगाया? मसला ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में क्लेम कर रहे हो कि हमने ये सब किया जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, तो मुझे आप बताइए उन्हीं लोगों को आपने कर्फ्यू में क्यों डाला है पांच दिनों से, उन्हीं लोगों की आपने कम्युनिकेशन लाइंस ब्लॉक क्यों की हुई है, उन्हीं लोगों के साथ आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? क्या वो इक्वल नहीं है? क्या उनकी इक्वेलिटी की किसी को नहीं पड़ी है? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ पे, एंड आई वेलकम यू कि आप हमारे लिए आए यहाँ पे एंड यू स्टूड फॉर ह्यूमैनिटी, आयरॉनिकली विच इज बीइंग शेम्ड इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। तो आप यहाँ इस वक्त और हमारा हमारे साथ यहाँ खड़े रहे, बट आई वॉन्ट टॉक टू द इंटेलेक्चुअल्स हु क्लेम टू बी इंटेलेक्चुअल्स एक्चुअली, जो बोलते हैं हम बहुत लिबरल है, इंटेलेक्चुअल है। ह्यूमैनिटी की बात आती है तो आप कश्मीर की जब बात आती है, जब उसके साथ रिलेट होता है, तो आपको क्यों भूल जाता है कि ये ह्यूमैनिटी वहां भी प्रिवेल करती है? आपको क्यों याद नहीं रहता है कि वो भी इंसान है वहां पे? आपको क्यों याद नहीं रहता कि उनके बच्चे हैं जो इस वक्त दर बदर यहाँ है क्योंकि उनने पांच दिनों से अपने घर वालों से बात नहीं की है? आपको क्यों ये याद नहीं रहता है? आपको क्यों उनके एसेंशियल्स के बारे में फिक्र नहीं रहती है? आपको जमीन चाहिए थी ना, ले ली ना, जमीन चाहिए थी ना, ले ली। लोगों का कोई फिक्र है लोगों की? आर्टिकल 370 आपने इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से रिवोक कर दिया, आपने गवर्नर को, गवर्नर का कंसेंट लिया, क्या वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है? गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, और आप उनसे कैसे कंसेंट ले सकते हो जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं था वहां पे? क्या आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पे शारिका बैठे हैं इनसे पूछा, यहाँ पे इतने सारे जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं इनसे पूछा कि आपकी विशेष क्या है? पूछा, अगर पूछा तो हमें दिखाइए, हमें उसका एविडेंस दिखाइए। अगर नहीं पूछा तो इतने सेक्रेट पार्लियामेंट में आपने झूठ क्यों कहा? अगर आप इंडिया के लोगों को, मुझे, आपको, सबको, जो भी एजुकेशन क्लास है, जो भी गरीब या फॉर्मर्स है, सबको आप ये बात कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे है और हम यहां सर आंखों पे मान लिया, अगर आपने ये बात कही, आप मुझे, आप ये बताइए, अगर आप ये सब बातें वो पूरे इंडिया के लोगों के साथ कर रहे हो, तो मुझे आप बताइए इंडिया के 9 अदर स्टेट्स में सेम स्पेशल प्रोविजंस हैं। अगर ये नेशनलिज्म कश्मीर के साथ लिंक होता है तो ये मणिपुर के साथ क्यों नहीं होता? तो ये मेघालय के साथ क्यों नहीं होता? ये तो जेन्युइन बात है ना, ये तो आर्ग्यूमेंट है ना, जिस आर्ग्यूमेंट पे आपने पार्लियामेंट में बिल पास करवाई, वही तो मैं आर्ग्यूमेंट आपसे पूछ रहा हूं, उनके लिए क्यों नहीं है नेशनलिज्म? अगर हमारी नेशनल, ये जस्ट बिकॉज हमारे बॉर्डर के साथ पाकिस्तान टच करता है, आपको अपने वोट बैंक के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स के लिए हमारा नाम खराब करना है? ये जस्ट आप इसलिए कर रहे हो? दूसरी बात आपने पार्लियामेंट में कही कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत गरीब हो गए हैं, वहां की इकोनॉमी डाउन है। हमारी इकोनॉमी इज टूरिज्म ड्रिवन, अंडरस्टूड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। आपने तो पिछले दिनों वहां से यात्रियों को निकाला और वो हमारे मेहमान, आज तक कभी वो यात्रा कैंसिल नहीं हुई है, तो वो हमारे मेहमान है। आपने उनको क्या किया? आपने वहां से उनको निकाला, तो आपने किस चीज को हिट किया वहां पे? हमारे टूरिज्म सेक्टर को हिट किया आपने वहां पे?
तो जब हमारे टूरिज्म सेक्टर को ही हिट किया, हमारी इकोनॉमी जो उसी से ड्रिवन है वो तो पहले ही खत्म हो गई ना। आप इस चीज को ध्यान में क्यों नहीं रखते हो? अगर हम इतने गरीब आर्टिकल 370 की वजह से है, तो आप मुझे बताइए बिहार हमसे पीछे क्यों है? वहां तो कोई आर्टिकल 370 नहीं है। इवन गुजरात, पीपल, ओके, आई वांट टू मेंशन दिस फैक्ट, हमारा पर कैपिटा इनकम इज एट पार विद गुजरात। आप तो वही के हैं, उठा के दिखाइए, या तो वहां लगाइए या उठाइए, दो में से एक चीज कर दीजिए। आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? मसला तो ये है ना। हाँ, अब मैं जो मैं लास्ट पे, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, लाइक इमोशंस आर हाई, एंड क्योंकि 5 दिनों से बात नहीं की है तो बहुत सारी इमोशंस अंदर से आ रही है, और मैं मुझे अचानक फिर से इस पे नज़र पड़ रही है, दे मेक अ डिसोल्यूशन एंड कॉल इट पीस, सो आयरोनिकल। और यहाँ 5 दिनों से हमने कोई बात नहीं की, और इंडिया में कोई सेक्शन नहीं आ रहा है सामने ये बोलने के लिए कि एटलीस्ट बात तो करने दो, एटलीस्ट आवाज तो सुनने दो कि जिंदा है मर गए है। अगर वो जिंदा है तो हमें उनकी कोई खबर नहीं, अगर वो मर गए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कल के जो पैलेट विक्टिम्स होंगे, कल के जो जिनको गोलियां लगी होगी, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज डाउन किए गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उनके करियर खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कल? It's not just about talking, it's not just about communication lines, it's about the careers of people of Jammu and Kashmir, about the future of people of Jammu and Kashmir. और मैंने अभी ये बात की और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। History will remember of all of us. आपको भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा, कश्मीर के लोगों को भी, इंडिया के लोगों को भी, और हिस्ट्री उन बंदों को भी याद रखेगा जो आज यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड कर रहे हैं, और वो उन बंदों को भी याद रखेगा जो आज बार्बरिज्म और ह्यूमैनिटी को शेम करने के लिए स्टैंड कर रहे हैं। और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और यहाँ जंतर मंतर में कह रहा हूँ, पीछे इंडिया का फ्लैग है, इसके सामने कह रहा हूँ, हिस्ट्री विल नॉट स्पेयर यू इफ यू डोंट स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।